हाय, मैं हूं संजीव त्यागी। क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूं। हर सपने में काबिलियत होती है कि वो आसमान की बुलंदियों तक अपनी उड़ान भर सके, लेकिन अगर सपने देखने वाले की आंखें ही नोच ली जाए, उनसे उनकी इज्जत छीन कर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया जाए, तो क्या कोई भी अपनी आंखों में कोई ख्वाब सजा पाएगा? हिंदुस्तान के सबसे नए डाटा के अनुसार साल 2019 में हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 405,861 मामले दर्ज हुए। बलात्कार के मामलों में साल 2018 के मुकाबले 7% का इजाफा देखा गया। हर दिन लगभग 87 रेप के मामले सामने आए, और ये तो वो मामले हैं जो रिकॉर्ड किए गए। बहुत से मामले तो लड़कियों की सिसकियों तक ही खत्म हो जाते हैं। साल 2021 की शुरुआत में ही एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। हर कोई बस यही सवाल कर रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि इस केस की कड़ियां न सिर्फ मासूमों से जुड़ी थी बल्कि निशाने पर खुद कानून के रखवाले थे। अब्बू, इतने गंदे जूते पहन के जाएंगे क्या? मैं भी साफ कर देती हूं। अरे तू रहने दे, मैं कर लूंगा बेटा। अब्बू, आप सिर्फ हमारे अब्बू ही नहीं है बल्कि हमारे रोल मॉडल भी हैं। तो आपके कदमों की धूल को तो सजदा करना पड़ेगा ना। माशाल्लाह, आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। बड़ी बड़ी बातें भी करने लगी हूँ, और ये देखिए शूज भी बढ़िया से पॉलिश करने लगी हूँ मैं। नाश्ता रेडी है, कर लीजिए। भूख नहीं है मुझे। जानती हूं आज हिना की सालगिरह है, रह रहकर उसी को याद कर रहे हैं ना। अगर आज वो होती तो अब तक पुलिस अकेडमी ज्वाइन कर चुकी होती। मलाल तो इसी बात का है कि एक पुलिस अफसर होते हुए भी अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया। इंसाफ नहीं दिला पाया? लेकिन आप तो बोल रहे थे आपने विक्रांत को अरेस्ट भी कर लिया था। ये कानूनी दांव पेच भी बहुत अजीब होते हैं नजमा। यहां गुनहगार कोई ना कोई रास्ता निकाल के बच ही जाता है। चलता हूं। सर, ड्रग माफिया राणा के खिलाफ इन्फॉर्मेशन है। सर, वो जमुना नगर में किसी गोडाउन में छुपा हुआ है, और सर इन्फॉर्मेशन ये है कि वो आज ड्रग डील करने वाला है। एग्जैक्ट लोकेशन भेजो मुझे। शंकर जी भाई, जाओ योगी का पता लगा, बहुत देर हो गई। कॉल लगाओ उसे। जी भाई। जनक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक राणा इसी गोडाउन में है। थाने में इन्फॉर्म किया? हाँ सर, बड़े साहब बैकअप टीम लेकर के आ रहे हैं। सर रिस्क होगा, हम सब चेक करने जा रहे हैं। सर सर सब फुल अलर्ट हो जाएंगे। अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, मैं पीछे जाकर चेक करता हूं। तुम ठीक हो सर? को हॉस्पिटल बचाओ जल्दी, क्विक। सर सुनील, सर मैं ठीक हूं सर। मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं तो एक सिर्फ छोटा सा पेडलर हूं साहब। मैं उसे माल लेने गया था साहब। आज हमारी एनिवर्सरी थी, आज ही के दिन शादी हुई थी और आज ही विधवा हो गई। सुनील को लेकर हमें आपके अफसोस करने से मेरे पति वापस नहीं आ जाएंगे। अब किरण वो आई एम सॉरी। बस आप ही सुनील को दिन रात रगड़ते रहते थे। ये क्या कह रही हो किरण? मैं आप ही जिम्मेदार है मेरे पति के मौत के, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। <स्थ
सर अगर मेरा बस चलता तो मैं सुनील की जगह खुद वार्ड सेल लेता सर, लेकिन मैं सुनील को। जज्बाती मत हो सुल्तान, जब हम बैकअप टीम लेकर आ रहे थे क्या जरूरत थी बहादुरी दिखाने की? सर मुझे लगा कहीं वो लोग भाग ना जाए सर। भाग तो अब भी गए ना, साथ में हमने हमारी टीम के एसआई सुनील को भी खो दिया। सर मैं इस राणा को छोड़ूंगा नहीं सर। सर मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया सर, मैं 3 दिन में राणा को सर आपके सामने लाकर। फिर जज्बाती हो रही हो सुल्तान। देखो राणा के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, फिलहाल तुम घर जाके आराम करो और ठीक होने के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करो। सर मैं ठीक हूं सर। इट्स माय ऑर्डर सुल्तान। सर अब संभल लग रही है, आज डांस करती हूँ। हार्दी रिलैक्स, क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया दिवाकर। अब बेटा सुनो, पापा तुम्हारे लिए क्या लाए, देखो ये देखो। तुम्हारे लिए, जाओ अंदर जाकर खेलो, जाओ भागो। क्या हुआ आरती, कल रात भी पैनिक अटैक आया क्या? तुम दवा टाइम से ले रही हो ना? मेरी दवा सिर्फ तुम हो दिवाकर, जब भी तुम रात में घर नहीं आते ना बहुत डर लगता है, लगता है मानो वो फिर से, और इस बार किट्टू वो नहीं आएगा। आप तुम खाम खा वहम पाल रही हो आरती, रिलैक्स। इस बार भी कम नंबर आया तेरे हया, कॉलेज से फोन आया था तेरे लिए। तेरा पढ़ाई पे ध्यान है भी या मस्ती मारने जाती है कॉलेज? आप खुद तो कभी कॉलेज गई नहीं, अब मैं जा रही हूँ तो आपको चिढ़ हो रही है? हया इतनी बदतमीज मत बनो कि तुम्हें औलाद करने में शर्म आए हमें। अरे ये क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? मुझे तो सिर्फ चोट लगी है, लेकिन सुनील नहीं रहा। क्या सुनंदा उठो, सुनंदा दिवाकर प्लीज बंद करो इसे, मैं नहीं देख सकती प्लीज। मैं बंद कर रहा हूँ, आप हाँ प्लीज, हाँ मैंने बंद कर दी, नाश्ता करो। एक बात बताओ, कल को मैं नहीं रही तुम ऐसे क्यों सोचती हो आरती? तुम जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दिवाकर, और मेरे हाथों की ये जीवन रेखा कितनी छोटी है देखो। बताओ ना दिवाकर, अगर मैं नहीं रही तो क्या तुम किट्टू को ऐसे प्यार करोगे जैसे अभी? कैसी बातें सोचने लगती हो तुम, क्या हो जाता तुम्हें? अनसर्टेनिटी इनसिक्योरिटी सबकी लाइफ में होती है दिवाकर, किसी में कम होती किसी में ज्यादा होती, और मुझे अपने फ्यूचर से नहीं अपने पास्ट से डर लगता। और किट्टू तो रेप चाइल्ड है, तुम्हारी बेटी तो बस आरती बस, मैं एक रात घर नहीं आया तुम इतनी बीमार हो गई। हाँ आरती किट्टू मेरी बेटी है यही सच है, तुम हमेशा ये सब बात करके मुझे मुझे हट करती हो और कुछ नहीं। दिवाकर I'm sorry, sorry. I promise, I won't hurt you anymore. I love you. I love you too, Aarti. सर योगी जंगपुरा का एक ड्रग पेडलर है, और इसके जैसे कई पेडलर्स राणा से ड्रग परचेस करते हैं। उसने कुछ बताया राणा कहाँ मिलेगा? नहीं सर, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा कि ज्यादा कुछ जानता होगा। हाँ लेकिन साथ में मैं ये भी जी, नजमा जी। सर सुल्तान का कल रात से फोन बंद आ रहा है, वो खाना भी खा के नहीं गए, इसलिए मैं लेके आई थी उनके लिए। पर वो तो छुट्टी पर है ना? छुट्टी पर जी, लेकिन वो तो कल रात को ड्यूटी पर निकले थे, उन्हें कॉल भी आया था। हेलो जनक, कहाँ है?
ठीक है मैं आता हूं। खाना तो खा के जाइए। मैं वापस आता हूं। लेकिन नजमा जी सुल्तान थाने नहीं पहुंचे, वो फोन किसका आया था सुल्तान को? सर ये तो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन हम वो किसी जनक के बारे में बात कर रहे थे। सर जनक सुल्तान का खबरी है और इसने ही सुल्तान को राणा की टिप दी थी, और अब जनक का फोन बंद आ रहा है। हो सकता है जनक ने कल फिर से सुल्तान को राणा की टिप दी हो। अगर ऐसा कुछ होता तो सुल्तान ने इस बारे में हमें बताया होता। ठीक है, सुल्तान और जनक के फोन एक साथ बंद होने का क्या चक्कर है? पता करो इन दोनों के फोन कहां बंद हुए थे। ओके सर। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे फोन मत किया करो, मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा सुनो मेरी बात। किससे बात कर रही थी? वो फ्रेंड से। अब्बू को पता चला? नहीं। अम्मी आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? पहले भी तो अब्बू कई कई दिन घर नहीं आया करते थे। लेकिन तूने ये इतना मेकअप किस खुशी में किया हुआ है? फिर से पार्टी में जा रही है? अम्मी आप और अब्बू हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? आपको और अब्बू को हर चीज से प्रॉब्लम है मेरी। आपको ना हीना बाजी को ही जन्म देना चाहिए था, मुझे नहीं। नहीं नहीं तुम ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। हाँ हाँ क्या बदतमीजी है यार? मुझे पता है ये क्या हेरा फेरी है। पिछले एक साल से कंपनी की करीब 25 लाख का फंड खर्चा कहाँ हुआ? इसकी कोई डिटेल्स नहीं है प्रदीप, पैसा गया कहाँ? मुझसे क्या पूछ रहा है? जाकर पूछ उस अकाउंटेंट से, उसी ने गबन किया होगा। और हाँ तूने तो निकाल दिया था ना उसे। उसे तो मैं जेल भिजवा देता, लेकिन तूने रोक लिया मुझे क्योंकि तेरी कजिन है। प्रदीप साफ साफ बता तू मेरे साथ क्या गेम खेल रहा है? मेरा बिजनेस पार्टनर होकर मेरा सारा बिजनेस हड़पना चाहता है तू? हड़पना चाहता नहीं, हड़प लिया है। अब चिल्लाना बंद कर और निकल यहाँ से। ये देख तू मेरे साथ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये ऑफिस मेरा है और तू मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता है, समझा? देख देख मैं क्या कर सकता हूँ तेरे। आरती मैं बाद में फोन करता हूँ। दिवाकर किट्टू नहीं मिल रही है। क्या? हाँ नहीं मिल रही किट्टू, मैंने कई जगह ढूंढा, बाहर मार्केट में, मोहल्ले में, टेरेस पे, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा ठीक है मैं अभी आया। ठीक है सर, सुल्तान का फोन इसी रेंज में बंद हुआ, फिर पेट्रोलिंग टीम को सुल्तान की लाश यहाँ पे मिली। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है, पिछले 7 दिन में हमारे 2 कलीग मारे। सरप्राइजिंग बात तो ये है सर कि कल रात को सुल्तान को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था। सुल्तान की बाइक तो यहाँ पर है पर उसका फोन नहीं है, और ये जनक खबरी इसका फोन भी लगातार बंद आ रहा है। हम मानकर चल रहे थे कि जनक ने सुल्तान को राणा की टिप दी, तो क्या सुल्तान के मर्डर में जनक का हाथ है? पॉसिबल है सर, जिस तरह से ये गायब है उससे तो ऐसे ही लग रहा है। हो सकता है जनक ने जानबूझ के सुल्तान को टिप दी हो, सुल्तान यहाँ पे आया और उसका मर्डर हो गया। मतलब सुल्तान का खबरी सुल्तान के मर्डर में इन्वॉल्व है? पता करो ये खबरी का। ओके सर। आरती किट्टू बेटा, आरती कहाँ हो? किट्टू बेटा, किट्टू आरती, किट्टू बेटा कहाँ चले गए थे तुम? बेटा बेटा दिवाकर, किट्टू कहाँ, ऐसे अंदर क्यों गई हो? उसको पता चल गया कि तुम उसके असली पापा नहीं हो, इसीलिए रूट कर वो पार्क में चली गई थी, आने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत मुश्किल से मना किया। अरे आरती मैंने कहा था ना तुमसे ऐसी बातें मत किया करो। किट्टू किट्टू सुन लिया ना सब कुछ? आरती तुम ऐसा करके मेरे और किट्टू के बीच में दूरियां क्यों बढ़ाना चाहती हो? सॉरी दिवाकर, मैं खुद तंग आ गई हूँ अपने दिमाग से, अरे पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ मैं। आरती आरती जल्दी रो मत, हम समझाएंगे किट्टू को। कैसे समझाएंगे? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बोल। सर ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? सर आप मेरा लुकआउट नोटिस जारी करने वाले हो? तो पहले ये बता गायब कहाँ हो गया था, और ठीक उसी वक्त जब सुल्तान का मर्डर हुआ? सुल्तान सर के मरने का दुख मुझे भी है सर, वो क्या है ना मैं गांव चला गया था और वहां मेरा फोन खराब हो गया, इसीलिए मेरा फोन बंद आ रहा था। नजमा जी सुल्तान के बिना हमारे लिए भी ये घड़ी बहुत दर्दनाक है। लेकिन सर सुल्तान को किसने मारा? वो ड्यूटी पे नहीं थे लेकिन तो उन्हें किसने बुलाया? हम तहकीकात कर रहे हैं, सुल्तान के गुनहगार को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। आप बस हिम्मत बनाए रखिए सर, कुछ खत्म हो गया सर,
सब कुछ कर लूं। सर, चरक ने कॉल खुद किया था, वो कह रहा है कि गांव में है, कल शाम तक आएगा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि सुल्तान और सुल्तान की बेटी के मर्डर का एमओ सेम है। अच्छा बाप, सुल्तान ने विक्रांत नाम के किसी लड़के के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी ना, सुनवाई चल रही ना उस वक्त? जी हाँ सर, उस लड़के की हिना की छोटी बहन पे बुरी नजर थी और इसी वजह से उनका झगड़ा हुआ था। आया सुनना, आया तू पीछा नहीं छोड़ेगा ना मेरा? तू तो वॉइड क्यों कर रही है? अच्छा, बारिश में जला रही है, आग लगा रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रही? अरे समझ तो तू नहीं रही। अच्छा मेरी बात तुझे मैं समझाती हूँ, आइंदा अगर मेरी बहन के आसपास भी दिखाना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। हिना के मर्डर के बाद विक्रांत फरार भी हो गया था, लेकिन सुल्तान ने उसे 7 दिन में ही पकड़ लिया था। अंकल मैं सच कह रहा हूँ। क्यों मारा हिना को? क्यों मारा हिना को? अंकल मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा हिना को। हालांकि सुल्तान इस बात से अपसेट था सर कि कोर्ट ने पिछले महीने उसका जमानत पर रिहा कर दिया। मर्डर का एमओ तो सेम है, लेकिन एक बात अजीब है, सुल्तान को फेक आईडी के नंबर से फोन किया गया, फिर क्राइम सीन से सुल्तान का फोन इस पहले में भी इस केस का राज चुका है। संभालिए दीदी खुद को, ऐसे तो आप अपने हम दोनों ही बदनसीब है दीदी। पुलिस वालों की आपसी ताना तानी के चलते एक के बाद एक हम दोनों के ही पति। पुलिस वालों की ताना तानी, ये तो क्या बोल रही है बाजी? रेशमा बाजी। ये क्या हो गया बाजी? पहले ही ना हमें छोड़ के चली गई और अब जीजा जी। नहीं बाजी, आप अगर टूट गए हयात को कौन संभालेगा? नहीं बाजी। बाजी वो हयात दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है वो? बोला ना आ रही हूँ, अब क्या फोन ही करते रहोगे? क्या बेहूदगी है ये? क्या ये? कैसी तस्वीर है? ये सब करते तुम? जी अबू, 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 एक मिनट, मुझे हयात से बात करनी दीजिए। हयात तुम चलो हमारे साथ। भैया यहाँ साइड में रोकना। अरे आ गई तू, चल तू अपना उतार, मैं अपना बंद करके आ। अरे तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? मैंने आपका दिल दुखाया ना, सॉरी पापा। मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया बेटा? कि आप बहुत अच्छे हो और आप ही मेरे पापा। क्यों बेटा? पापा लव यू सो मच। अच्छा बेटा सुनो, तुम अंदर जाओ और जाके सो जाओ, पापा बस बस अभी थोड़ी देर में आते हैं। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। ये तुम वेब सीरीज देख के क्या काम कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि कुछ इसी तरह की स्क्रिप्ट लिखूं और स्क्रिप्ट और तुम बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है क्या जो ये स्क्रिप्ट लिखने लगे? तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। एक काम करो ना, तुम अंदर जाओ, बस एक एक सीन बचा है, बस लिख के मैं आता हूं। सर
सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। मानता हूँ कि मैं पहले बेल पे बाहर था, लेकिन मैंने सुल्तान अंकल के साथ कुछ नहीं किया। देख विक्रांत, वो मर्डर वेपन कहाँ है और सुल्तान का मोबाइल कहाँ गायब किया तूने? बोल सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ गायब नहीं किया है। ऐसा नहीं मानेगा तू? ऐसा नहीं मानेगा तू? दिवाकर, तुमको अच्छे से पता है ना कि तुम एक रात के लिए घर नहीं आते तो मेरा जी बैठ जाता है, और अब तुम चार चार दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो। काम जरूरी है आरती, अब तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। आरती, कब तक ऐसे डर डर के रहोगे तुम? दिवाकर, मैं और किट्टू अकेले हैं पूरे घर में, अगर कोई चोर उचक्का वो आ गया तो? सर कुछ नहीं होगा आरती, पड़ोसी को इन्फॉर्म कर दो तुम अकेली हो, उनका सपोर्ट भी रहेगा। ठीक है, रिलैक्स। मैं क्यों फेक आईडी नंबर से सुल्तान सर को कॉल करूंगा? देख, अब ये कतई मत बोलना कि उस रात तूने पीएसआई सुल्तान को राणा की टिप नहीं दी थी। नहीं सर, उस रात राणा की क्या, मैंने उन्हें कोई टिप नहीं दी थी। देख चलक, तू सुल्तान के लिए सालों से काम कर रहा था, अब ये बता सुल्तान की। सर, हीना के केस में सुल्तान सर ने विक्रांत को सीधा उठा लिया था, लेकिन हाँ सर, जब वो जमानत पर रिहा हुआ तो सर सुल्तान सर ने मुझे विक्रांत पर नजर रखने को कहा। सर, विक्रांत के आगे पीछे कोई कड़ी नहीं मिल रही जो आप उसके खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा कर सको। जनक, मुझे कुछ समय पहले यूपी में हुए केस के बारे में पता चला था, जिसमें एक आदमी हथौड़े के वार से मारा गया। जब से हीना का मर्डर हुआ है मुझे बार बार यही केस याद आता है। सुल्तान ने यूपी के उस केस के बारे में नहीं बताया मुझे? अब वो बिल्कुल डिटेल देने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले एएसआई और फिर सुल्तान सर का मिलने का मौका ही नहीं मिला सर। की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में पता करो, ऐसा कोई केस आया था क्या जिसमें हथौड़े से मर्डर किया गया? ओके सर। और एक बात सर, मैं ये सुल्तान की बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था तो पता चला कि पिछले कई सालों से हर महीने 15,000 रुपए किसी रेशमा खान नाम की औरत को ट्रांसफर कर रहा था। रेशमा खान और सुल्तान खान, सर नेम तो सेम है दोनों के, है कौन ये औरत? पता नहीं सर, मैंने सुल्तान की बीवी नजमा से बात की, उसने बोला कि वो किसी रेशमा को नहीं जानती। साहब, ये मेरे शौहर है। अरे, उसका बेटा साहिल। मतलब अब सुल्तान की दूसरी बीवी है? दूसरी नहीं साहब, उनका पहला निकाह मुझी से हुआ था, लेकिन उनको किसी और में अपनी जिंदगी दिखाई देने लगी। औरत को तो मर्द का हर एक रिश्ता कबूल करना होता है साहब, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं है, उनकी खुशी थी। सुल्तान की जो पहली, मेरा मतलब आपके अलावा जो बीवी है दसमा, वो तो जानती तक नहीं आपको? जानती तो मैं भी नहीं उसको, बस इतना पता है कि सुल्तान ने किसी और के इश्क में मुझे सब साहिल जल्दी से पानी ला। जी सुल्तान के अब्बू है, पिछले 3 साल से लकवे की वजह से जिंदा लाश बन के रह गए, बोल भी नहीं सकते। सुल्तान जो भी पैसे भेजता है सब उन्हीं के इलाज में खर्च हो जाता है। नहीं सर, मैं भरोसा ही नहीं कर सकती कि सुल्तान ने कोई और शादी भी की होगी। देखिए नजमा जी, आपको तो यह तक नहीं मालूम कि सुल्तान के अब्बा भी जिंदा है? ये चांद अली खान नाम है इनका, सुल्तान के हर डॉक्यूमेंट में इनकी डिटेल्स है, एक अरसे से ये रेशमा के साथ ही रह रहे हैं। सर, सुल्तान ने बताया तो था कि इनके अब्बू गांव में रहते हैं, लेकिन मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि सुल्तान की एक और बीवी भी होगी। सर, आपको याद है आपने मुझे एक फेक आईडी नंबर दिया था जिससे लास्ट कॉल सुल्तान सर के पास गई थी? सर, मैंने अपने नेटवर्क से मालूम किया, वो नंबर कोई सत्येंद्र नाम का अपराधी इस्तेमाल करता था, और सर मुझे ये भी पता चला है कि सत्येंद्र को सुल्तान सर की सुपारी दी गई थी, और वो सुपारी किसी औरत ने दी थी। औरत कौन? सर ये तो मालूम नहीं चला। जनक, लेकिन ये तो पता होगा ना कि ये सत्येंद्र कहाँ मिलेगा? सर पता करवा रहा,
लेकिन सर मेरे आदमी ने बताया कि वो फेक आईडी नंबर मेरठ का था। सर मुझे ये भी पता चला है कि सतेंद्र ने वहाँ से डीसी कट्टा खरीदा है। सुल्तान का मर्डर हथौड़े से हुआ था, यहाँ जनक देसी कट्टे की बात कर राइट सर, और उसके पास सतेंद्र का एक फोटो तक नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है सर ये हमें घुमा रहा है, हो सकता है वो ये सब कुछ राणा के कहने पर कर रहा हूँ। हमें पता चला कि सुल्तान की दो बीवियाँ, और अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि किसी औरत ने सुल्तान की सुपारी दी थी सतेंद्र को। क्या था पता करो कि वाकई में कोई सतेंद्र है जिसे किसी औरत ने सुल्तान की सुपारी दी थी। ओके सर। अरे बाजी क्या हुआ? अरे पानी लाना। क्या हो गया बाजी, कुछ तो बोलिए। आप ही जिम्मेदार है मेरे पति के मौत के, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। क्राइम सीन से सुल्तान का फोन भी गायब है, शायद उसके फोन में कुछ ऐसा हो जो अलग ही औरत से ताल्लुक रखता हो। सुल्तान के बैकग्राउंड में जितनी भी औरतें थी सबकी डिटेल लिखा। सर सुल्तान सर का जो थाने वाला पीसी है वो पासवर्ड से इंटैक्ट है, हो सकता है उसमें भी कुछ सिक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स रखे उन्होंने। ठीक है टेक्निकल टीम को बुलाओ, ऑन करवाओ। सर सर मैंने पूरा क्रिमिनल डेटाबेस चेक किया, पर वहां से भी सतेंद्र नाम के किसी भी क्रिमिनल की कोई डिटेल नहीं मिली। खबरी जनक का कहना है कि सुल्तान ने यूपी के एक ऐसे आदमी के मर्डर के बारे में उसने जिक्र किया था जिसका मर्डर हथौड़े से हुआ था, उसकी कब डेट है? सर इस तरह के केसेस की डिटेल्स निकालने के लिए मैंने यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में रिक्वेस्ट तो भेजी थी, पर वहां से कोई अपडेट नहीं मिला। हाँ लेकिन एमपी के इंदौर में 7 महीने पहले इस तरह का एक केस सामने आया था। देखिए सर बेटी का नाम किट्टू और माँ का नाम आरती था। मर्डर के दौरान आरती का पति दिल्ली में था। इस डबल मर्डर केस में प्रदीप नाम के इस आदमी को अरेस्ट किया गया था सर, लेकिन कुछ दिन के बाद प्रदीप को कोर्ट ने बेल दे दी थी। एक ऐसा आदमी जो हथौड़े से किए गए दो दो मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है और बेल पे बाहर है। सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया था, मेरे पर बेबुनियादी आरोप लगाए गए थे, ट्रस्ट मी सर। आरती के घर में जो पानी का गिलास मिला था उस पर फिंगरप्रिंट्स मिले थे तुम्हारे, और जो सिगरेट के बर्ड्स मिले थे उस पर तुम्हारा सलाइवा जो तुम्हारे डीएनए से मैच होता है। सर लेकिन मैं तो कभी उसके घर गया ही नहीं। सर मेरा यकीन मानिए मुझे फंसाने के लिए फ्रेम किया गया है। कोई फ्रेम नहीं किया गया था, आरती के हस्बैंड दिवाकर के साथ तुम्हारा बिजनेस को लेकर इशू चल रहा था, स्ट्रॉन्ग मोटिव था तुम्हारे पास। हाँ सर मैं मानता हूँ कि दिवाकर के साथ मेरे कुछ इश्यूज थे, पर सर ट्रस्ट मी सर मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। हयात खाना लगा दिया है? खा ले। जी अम्मी। और ये मुझे देख के लैपटॉप क्यों बंद किया? आप वो कुछ नहीं अम्मी। क्या देख रही थी? कुछ नहीं वो बस ऐसे ही। अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद मेरी वजह से हीना बाजी और अम्मू। आरती के पति से भी मिलते हैं एक बार, पता करो आजकल कहाँ है। ओके सर। और साथ ही सतेंद्र का भी पता करो और राणा का भी, और चनक पे भी नजर बनाए रखो। ओके सर। सर सुल्तान सर जो पीसी इस्तेमाल करते थे उसका पासवर्ड रिट्रीव हो गया। इस फोल्डर में राणा के केस की अपडेट है, और इस दूसरे फोल्डर में हीना के केस से रिलेटेड भी कुछ लिखा है, लेकिन उसने आत्मलोक क्यों लिखा है? आत्मलोक सर इस नाम की तो एक वेब सीरीज भी है। वेब सीरीज? यस सर, तकरीबन 2 साल पहले एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। तुमने देखी थी वो वेब सीरीज? नहीं सर, ड्यूटी से टाइम ही कहाँ मिलता है। इस केस के लिए अब तुम ड्यूटी के टाइम पे वो वेब सीरीज है। ओके सर। प्रदीप से धोखा खाने के बाद मैं नए सिरे से अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, ताकि आरती और किट्टू को नई और अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। इसी सिलसिले में मैं दिल्ली चला गया था, लेकिन दिल्ली जाने के अगले दिन से ही आरती का फ़ोन बंद आने लगा। सर मैं टेंशन में आ गया सर, मैं तुरंत दिल्ली से इंदौर लौट आया, और आकर देखा तो आपको पता है एक वेब सीरीज है उसमें भी क्रिमिनल हथौड़े का इस्तेमाल करता है मर्डर करने के लिए।
कौन सी वेब सीरीज सर? आत्मलोक। यस यस सर, मैंने भी देखी है सर ये वेब सीरीज। तो सर हाँ, प्रदीप अक्सर तारीफ करता था इस वेब सीरीज की। जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर कहीं प्रदीप इस वेब सीरीज का कॉपी करता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये सब प्रदीप ने किया होता तो अपने खिलाफ घर में सबूत क्या छोड़ा। सर रेशमा के बारे में कुछ बातें पता चली। गांव गए थे तुम्हारे, पता किया हमने, तुम सुल्तान की नहीं बल्कि सुल्तान के अब्बू की दूसरी बीवी हो। सुल्तान की सगी अम्मी के मरने के बाद तुमने सुल्तान के अब्बू से निकाह किया। सुल्तान के अब्बू की जायदाद का भी लालच था तुम्हें, सुल्तान की कमाई का भी, और अब सुल्तान के मरने के बाद उसकी जगह पर अपने बेटे साहिल को नौकरी दिलवाने के सपने देख रही हो। नहीं नहीं साहब, सुल्तान का मेरे साथ भी रिश्ता था। बस अब और झूठ नहीं। अब तुम दोनों सिर्फ ये बोलो, खुद मारा था सुल्तान को या सुल्तान की सुपारी दी थी किसी को? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा। हमारे पास कहाँ इतना पैसा जो किसी को सुपारी देंगे। उठवा इनसे, उठा दोनों। साहब, हमने किसी को नहीं मारा। सर फाइनली यूपी पुलिस हेडक्वार्टर से पता चला है कि 7 महीने पहले आलोक नाम के एक आदमी का मर्डर किया कर दिया गया था हथौड़ा मार के। और सर इतना ही नहीं, 17 में 15 दिन पहले साक्षी नाम की एक लड़की का भी। आप लोग क्या ऐसे? गलती से हो गए थे, वो किसी और का काम है सर, माफ कर सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। हिना कहीं तरफ पर्दाफाश ना कर दे, इसलिए पहले तूने हिना को मारा। हिना से कभी मिला ही नहीं सर, न उसके अब्बू से मिला, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जब तक ये सच ना बोले ना, हाथ नहीं रखना चाहिए। तू हमेशा राणा की अपडेट देने की बजाय कुछ और ही बताता रहता है। अच्छा ठीक है, क्या अभिषेक? सर वो जनक खबरी का फोन आया था, ये फोटो भेजा है, कह रहा है इसका नाम सत्येंद्र है, बिजनौर में किसी बशीर मामू को हथियार सप्लाई किया करता था और उसी बशीर मामू ने इसे सुल्तान सर की सुपारी दी। पहले तो बोल रहा था किसी औरत ने सुपारी दी थी, अब ये बशीर कहाँ से आ गया? सर जानते हैं बशीर को भी नहीं, कह रहा मालूम करके बताऊंगा। सर मैंने यूपी के आलोक और 17 की साक्षी की डिटेल निकाली और दिवाकर और प्रदीप की कंपनी में अकाउंटेंट थी। और ये आलोक दिवाकर की बीवी आरती का मामा है। इंदौर सतना कानपुर में जो हथौड़े से मर्डर हुए उस सब विक्टिम्स के साथ दिवाकर का कहीं ना कहीं कनेक्शन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदीप को भी इसी ने फ्रेम किया? ठीक हो? हाँ सर, थैंक यू सर। मुझे सिर्फ प्रदीप को खत्म करने दो, उसके बाद भले मुझे सूली पे चढ़ा देना आप। माना प्रदीप ने तेरा बिजनेस हड़प लिया था, अकाउंटेंट साक्षी ने गबन के तरीके बताए, उनसे बदला लेना चाहता था, पर तूने अपनी बेटी, अपनी बीवी आरती और आरती के मामा को क्यों मारा? वो मामा कंस था, कंस। आरती को कई साल तक मोलेस्ट किया उसने। कि तू भी इस कमीने आलोक की बेटी थी, लेकिन मैं कायर था सर, आरती की बदनामी ना हो इसलिए मैंने उसे हमेशा पुलिस के पास जाने से रोका, लेकिन मैं उसे प्यार भी करता था, शादी की उससे, और किट्टू को एक सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। तो फिर मारा क्यों? उस कमीने प्रदीप की वजह से, उसने मेरा बिजनेस हड़प लिया था सर, और जब मैंने उस पर केस करने की कोशिश की तो उसने मुझे ऑफिस में बुलाकर कहा, दिवाकर ये जो तू केस करने की सोच रहा है ना, उससे कुछ नहीं होगा, तुझे अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं है क्या? हाँ, उन दोनों को बाजार में बेच दूंगा और तुझे ही उनको गायब करने के आरोप में अंदर करवा दूंगा, समझा? अगर वो सच में ऐसा करता तो सर मैं तो कहीं का नहीं रहता सर,
फिर मन में आया कि मैं सुसाइड कर दूं, फिर सोचा कि उस कमी ने प्रदीप को मार दूं, लेकिन अगर अगर मैं उसको मारता और मैं अंदर हो जाता तो मेरे बगैर आरती किट्टू को वो लोग कैसे जीते सर? वो तो तिल तिल मरते हैं, इसलिए मैंने उन्हें एक झटके में मौत दे दी सर। दिवाकर तुम तो 4 दिन बाद आने वाले थे, आज रात को ही आ गए। और तुम्हारा बैग कहाँ है? और ये ग्लव्स क्यों पहने हुए? ओह मैं। पापा। किट्टू। और प्रदीप को फंसाने का प्लान बनाया, फिर वापस दिल्ली चला गया और यहां प्रदीप अंदर हो गया। फिर सोचा आरती के बदला पूरा कर लो और मैंने उसके मामा आलोक को मार दिया और कुछ दिनों बाद प्रदीप जमानत में बाहर आ गया। मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो हर बार बचता रहा। लेकिन एक दिन मुझे मौका मिला उस चीटर अकाउंटेंट साक्षी को मारने का। तूने हिना और सुल्तान को सच में नहीं मारा क्या? फिर हमें मैं क्यों मारता सर? मैं क्यों मारूंगा? लेकिन मुझे प्रदीप को मारना है, उसको खत्म करना है मुझे। मैं प्रदीप को नहीं छोड़ूंगा सर, मारने दो उसे, उसे, उसे प्रदीप को मारूंगा मैं, उसे छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी बर्बाद करती पड़ी। कहते हैं कभी कभी हालात इंसान के काबू में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हालात से नाराज होकर अपने ही गुस्से के हाथ की कठपुतली बन जाए। दिवाकर ने अपने पार्टनर से बदला लेने के लिए अपने ही परिवार की बलि चढ़ा दी। कोई कितना भी चिल्ला चिल्ला कर कहे कि मैं मजबूर था, लेकिन क्या सच में मजबूरी इतनी बड़ी हो सकती है कि कोई अपनों का खून बहा दे? हाँ, सुल्तान के केस से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ पुलिस के सामने जरूर आई थी, जिस पर यकीन कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। सर, जनक ने सतेंद्र की एक टिप दी है। उठा लो। साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब, मैं तो सिर्फ हथियार खरीदने और बेचने का काम करता हूँ साहब। पक्की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, बिजनौर के बशीर मामू को हथियार बेचता है तू, उसी ने तुझे सुल्तान की सुपारी दी थी। मानता हूँ साहब, बशीर मामू को जानने वाली एक औरत मुझसे मिली थी, मगर मैंने उसे मना कर दिया था साहब कि मैं मर्डर नहीं करता। कौन औरत मिली थी तुझसे? ले चलो इन दोनों को। इन दोनों, इन्होंने क्या किया है सर? हमें सर, बाजी। सतेंद्र नहीं तो कौन? किससे मरवाया सुल्तान को और 6 महीने पहले हीना को? अम्मी, मैंने तब हीना को किसी तरह से चुप रखने की कोशिश की कि वो सुल्तान को कुछ ना बताए। हमें डर था कि वो सुल्तान को कभी भी सच बता सकती है। हमें उसे रास्ते से हटाना था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे। ये क्या हमेशा वॉलेंस देखती रहती हो तुम? क्या अबू, अब मैं अपनी पसंद की वेब सीरीज भी नहीं देख सकती अबू। हाँ, क्योंकि इससे क्रिमिनल साइकोलॉजी को बढ़ावा मिलता है। और ये जो सीन चला था ना मर्डर वाला, ठीक कुछ दिन पहले वैसे कानपुर में मर्डर हुआ। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने इकबाल को इसे अमल करने के लिए कह दिया। जब हिना का मर्डर हुआ तो सुल्तान को लगा कि शायद विक्रांत भी उसी वेब सीरीज का मुरीद होगा, लेकिन जब विक्रांत बेल पे बाहर निकला तो सुल्तान घर बैठकर ऐसे केसेस पे स्टडी करने लगा जिसमें हथौड़े से मर्डर किए गए हों। सुल्तान जल्द से जल्द हिना के कातिल को पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसे मारना हमारे लिए ज़रूरी हो गया था। लेकिन सुल्तान इतना तेज़ और चौकन्ना था कि उससे अगर जरा सी भी चूक होती तो हम लोग फंस जाते, इसीलिए हमने उसकी सुपारी देने का सोचा। बशीर मामू मेरे दूर के रिश्ते के जानने वाले थे,
लेकिन सत्येंद्र सुपारी लेने के लिए तैयार ही नहीं था। तो हमें ही करना था सब कुछ। फिर बशीर मामू ने हमारे लिए एक फेक सिम का इंतजाम किया जो कभी सत्येंद्र इस्तेमाल करता था। हेलो सर, राणा की एक टिप है, वो चौहान रोड पर आने वाला है। सर जनक भाई ने कहा था आपको अपडेट करने के लिए। जनक आए, ठीक है मैं आता हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। जनक ये किससे कॉल करवा रहे हैं तूने मुझे? ये मैसेज मिलते मुझे कॉल कर। वेब सीरीज और मर्डर केसेस से रिलेटेड चैट हिस्ट्रीज थी जो कि वो अलग अलग लोगों से मालूम कर रहा था, इसीलिए मैंने उसका फोन गायब कर दिया। इस केस की बहुत सी परतें थी जिसने ये दिखा दिया कि इंसान किस हद तक गिर सकता है और किस हद तक की प्लानिंग कर सकता है। इस केस को सुलझा पाना पुलिस के लिए बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन फिर भी पुलिस ने असली अपराधियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन अगर रिश्ते में दरार आने लगे, उस रिश्ते में कोई कमी दिखने लगे, उसकी खूबसूरती खत्म होने लगे, ये लगे कि अब इस रिश्ते को जीते जी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो पूरी इज्जत के साथ अलग हो जाने में ही भलाई है। ऐसी कोई हैवानी साजिश रचकर अपने उस साथी को बेरहमी से मार डाला। ये न सिर्फ कानूनी रूप से गलत है बल्कि शायद ये इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे इजाजत चाहूंगी, फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।